सुधांशु सर, बड़ा फैक्टर ममता है और इसीलिए शायद उनको टारगेट किया जा रहा है, रैलिंग पॉइंट ममता है चुनावों की, आपका रिएक्शन? हाँ, अब देखिए इसमें मैं इसको तीन बिंदु पर इसका विश्लेषण कर देता हूं। एक तो जैसे उन्होंने बताया 12 से 15 मार्च के बीच का आपका ये सर्वेक्षण है, यानी कि जब ममता जी के चोट लगी और उस समय वो सर्वाधिक रूप से मीडिया या इसमें यह विषय बना हुआ था उस समय का सर्वे, तो एक संभावना ही रहती कि कुछ प्रतिशत, चूंकि वही चीज माइंड में ज्यादा होती वो आ जाती है। दूसरा पॉइंट, 39.7% लोग के लिए ममता फैक्टर है, बिल्कुल सही माना, परंतु ममता जी सत्ता में है, सत्ता में जो व्यक्ति है वो फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता नेगेटिव भी हो सकता जी, बिल्कुल फैक्टर है, यानी लोग उनको लाना चाहते हैं अथवा हटाना चाहते हैं। मोदी जी फैक्टर आप मानिए, आप बताइए प्रदेश का चुनाव है, यदि प्रदेश के चुनाव में 28.7% लोग मोदी जी को फैक्टर मान रहे हैं तो मानी हुई बात है यह तो 100% सकारात्मक ही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु की संभावना नहीं रह जाती। 39.7% लोग ममता जी को मान रहे हैं, अब उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की संभावना रहती जी। और तीसरा मैं इस पे आपको एक विश्लेषण बता दूं, जो ममता जी सबसे बड़ा फैक्टर है वो फैक्टर किसको मान रही है, वो तो भाजपा को मान रही है, जो अभी वर्तमान विधानसभा में 3 सीटों वाली पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी दल है कम्युनिस्ट और कांग्रेस, उनको तो खुद ममता जी हो या सर्वेक्षण के रिजल्ट हो अथवा चुनाव प्रचार का माहौल हो अथवा मीडिया के विश्लेषण में हो, वो तो बेचारे न 3 में माने जा रहे हैं न 13 में माने जा रहे हैं, और हम 3 सीटों वाली पार्टी सबसे बड़े फैक्टर बकौल ममता जी माने जा रहे हैं। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि यदि आपके में दिखाई पड़ा कि ममता जी और मोदी जी, इसका मतलब अब यह एक बाईपोलर लड़ाई है, यानी ये सीधे द्विपक्षीय लड़ाई है। और आपको शायद निशान जी, आपको भी अपनी स्मृति में ध्यान नहीं होगा कि किसी 294 की विधानसभा की सीटों में 3 सीटों वाली पार्टी सीधे बड़ी लड़ाई में सत्ता के लिए दिखाई पड़ रही हो, तो बाकी सब पार्श्व में जा चुके हैं, अब मुकाबला सीधे भाजपा बनाम टीएमसी है। और ये दिखा रहा है कि यदि इस शुरुआती स्टेज में हम अभी यहां तक हैं जबकि एक भी चरण का मतदान नहीं हुआ है, तो आप देखिए कि जब ये मामला अंजाम तक पहुंचेगा तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। अब मैं आप इसमें काउंटर में लूंगा टीएमसी से, लेकिन अपने सवाल जो दूसरा सवाल है बहुत तेजी से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है? अब इस सवाल का जवाब बड़ा आसान सा होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री कौन है ये पता नहीं है। ममता बनर्जी 51.8% नंबर वन, दिलीप घोष 24.2%, जिनके लिए बहुत कुछ जिम्मेदारी है, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के जो है जो बीजेपी में चले गए 5.2%, नंदीग्राम जीतना पहली बड़ी है, सौरव गांगुली 7.9%, सौरव मिथुन चक्रवर्ती 4.6%, अधीर रंजन चौधरी 2.2%, अन्य 4.1%। ये बड़ा चीज हम आपको बता रहे हैं और मेरे दर्शक जितने भी हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मुख्यमंत्री की पहली पसंद ममता बनर्जी, दूसरी दिलीप घोष, तीसरी सौरव गांगुली, चौथे शुभेंदु अधिकारी, पांचवें मिथुन चक्रवर्ती, बाकी सब कौन है यहां पर। लेकिन मेरा अगला सवाल जो है, तुरंत जरा अगला सवाल दिखाइए जो हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद, ब्रेकिंग आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद है ममता बनर्जी, बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में। और ये मैं आपको बताऊंगा वोट शेयर के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, सीट सीट्स की बात नहीं कर रहे हैं, आधे से ज्यादा वोटर्स की पहली पसंद ममता है। दिलीप घोष का सीएम पद तक का सफर आसान नहीं है, सीएम के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, सौरव गांगुली शुभेंदु अधिकारी के ऊपर है। अब अगला सवाल मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जरा इसको देखें आप, ये अगला सवाल जो है जरा प्ले करें इसको, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहां पर, क्या ममता बनर्जी को चोट का फायदा चुनाव में होगा? बड़ा फैक्टर है और उसी टाइम पर हमारा सर्वे हुआ है, अगर शिव में गलत नहीं हूं, चोट के टाइम पर ही सर्वे हुआ, जैसा कि अभी सुधांशु जी ने पॉइंट आउट किया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।